हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, आज की क्लास में हम चैप्टर 5 करेंगे। और चैप्टर 5 है आप लोगों का डाटा हैंडलिंग। ठीक है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और बहुत बेसिक है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा आई होप। बाकी में जब तक जो चैप्टर पढ़ाए हूँ सब कंप्लीट कीजिए, उसका NCERT का सॉल्यूशन वीडियो आ गया है, उसको देखिए अगर कुछ डाउट आ रहा है तो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबके पास वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा हैंडल में क्या कंसेप्ट दिया है, पहला है आपका मीनिंग जो है, व्हाट इज डाटा, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डाटा। व्हाट आर द सच केसेस, हियर आर द एग्जाम्पल्स। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल दिया है देखिए, एक एक से देखिए और देखने के बाद उसको एग्जाम्पल को अपने हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। रन्स मेड बाई ए बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, देखिए ये एक ऐसा डाटा है, कोई भी एक बैट्समैन लास्ट 10 मैच में कितना रन्स बनाया, अगर उसको हम लिखते चले गए, मान के चलिए विराट कोहली का मैं रन बता रहा हूँ एक लास्ट 10 मैचेस। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए कोई मैच में 26 किया, उसके बाद 59, 75, 111 नॉट आउट, उसके बाद फिर से आया था 33, फिर हुआ 65, फिर हुआ 78, ऐसे 10 डाटा दिया हुआ है। इस डाटा को देख के जो इन्फॉर्मेशन दिया ना यहाँ पे कि कितना स्कोर किया, जो उसको एक्चुअली मैं बताया ना आपको कि ये रन इतना रन किया, इस सबको अगर मैं बोलूँ एक साथ में क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं डाटा। ये डाटा को हम हैंडलिंग, जो डेफिनेशन दिया है हैंडलिंग का मतलब उसे अरेंज करेंगे, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको पूरा मैटर छोटा सा चीज़ में, छोटा सा डायग्राम में आपको पता चल जाएगा, यही होता है डाटा हैंडलिंग। इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत है। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन बाय बॉलर, जैसे बैट्समैन रन करता है तो बॉलर विकेट लेता है, उसका भी एक डाटा निकल सकता है। फिर मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन अ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट में जितने बच्चे थे सबका स्कोर लग के आएंगे, तो इसमें कितने बच्चे 60 प्लस लाए हैं, कितना फेल हुए हैं, कितना 90 प्लस रखे हैं, कितना 95 से ज़्यादा रखे हैं, कौन टॉपर है, कौन सबसे नीचे है, ये सारे के सारे चीज़ कहाँ मिलता है, हमको डाटा से मिलता है। अगर कोई चीज़ का डाटा कलेक्ट कर दिया जाए उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसी को ही बोलते हैं हैंडलिंग। ओके, नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स एक्स्ट्रा, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। मैं अपने से एग्जाम्पल दूंगा कि आपका मौसम मतलब कितना टेम्परेचर रहता है दिन में, आज मैक्सिमम कितना हुआ, मिनिमम कितना हुआ, कल कितना होगा, परसों कितना था, ये सारे चीज़ अगर मेंटेन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये अभी दिन कैसे चल रहा है, गर्मी चल रहा है कि बारिश का मौसम चल रहा है कि ठंड हो रहा है, तो ये चीज़ भी आपको कलेक्ट करने के डाटा कहते हैं। ठीक है, ये डाटा को अब हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे वे में हम उसको रिप्रेजेंट करके उसको इजी बना सकते हैं। देखिए डाटा को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए, डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, सो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंटेड किया जाए तो कौन सा ऐसे उपाय है, माध्यम है जिसे हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे कि पहला दिया है पिक्टोग्राफ, देखिए यहाँ पिक्टोग्राफ का लॉजिक दिया है, इसका मतलब अगर 100 कार होता है, एक एज्यूम किया पिक्चर में, इसका मतलब अगर 100 कार होता है, मतलब वन सिंबल स्टार्ट्स फॉर 100 कार, देन देखिए पिक्टोग्राफ में देखेंगे जुलाई महीना में दो कार पूरा है और एक कार का आधा है, मतलब ये 250 हुआ कि नहीं हुआ, इसमें पूरा तीन कार है तो 300 हो गया, इसमें पूछा है कितना होगा तो 1, 2, 3, 4 आपको देख के पता चले पूरा चार कार है, मतलब ये 400 हो जाएगा। देखिए अभी क्वेश्चन पूछता है क्या नीचे में, हाउ मेनी कार्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में कितना कार हुआ था, हमको तो पता है जुलाई में कितना हुआ था, 250 हुआ था। इन विच वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस, यहाँ सेप्टेम्बर हुआ था तो इसमें लिख देंगे सेप्टेम्बर। देखिए एक डाटा को देख के हमें सारे के सारे क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है बार ग्राफ, बार ग्राफ देखिए वो था पिक्चर ग्राफ, ये होता है बार ग्राफ। देखिए ये जो है ना, ये जो सिंबल दिया है इसको बोलते हैं बार। देखिए यहाँ पे क्या है, एकेडमिक ईयर से और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से क्लास 7-8 का, ये जो एकेडमिक ईयर है कौन सा ईयर में कितने बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे और कितना नंबर दिया। देखिए कि 2002, 2003, 2003 और 2004 में यहाँ 100 बच्चे पढ़ रहे थे, 4 और 5 में 200 बच्चे पढ़ रहे थे, 5 और 6 में 250, 250 और 6 से 7 में 300 और
सात और आठ में 350 मतलब 350 बच्चे पढ़ रहे थे। इसके नीचे मुझे क्वेश्चन देगा, कुछ क्वेश्चन देगा, देखिए व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन विद बार ग्राफ, इस बार ग्राफ में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ईजी है, बार ग्राफ में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ईयर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल किए थे उसी स्कूल में डिफरेंट ईयर्स में, वी कौन सी क्लास का, क्लास एट का, इसी का मुझे डाटा दिया है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द ईयर इज इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से ईयर में इंक्रीज ज़्यादा था। देखिए इंक्रीज मतलब समझ रहे हैं ना, एक साल से अगले साल वाला, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे हुआ 200, मतलब यहाँ 100 इंक्रीज हुआ, 200 से हुआ 250, यहाँ 50 इंक्रीज हुआ है, 250 से 300, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, तो ये ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ, 2003 से, दो तीन चार से, चार पाँच हुआ कि नहीं हुआ, तो 2004-05 में ज़्यादा इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, यही मुझे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आप देखिए इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन सा ईयर मैक्सिमम है, 2007-08 में मैक्सिमम है। स्टेट वेदर द ट्रू फॉल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 5 और 6 में नंबर स्टूडेंट कितने थे, 250 इज ट्वाइस द 3 4, 3 4 का 2 गुना होगा, 3 4 का 2 गुना, देखिए यहाँ पे 250 है और यहाँ पे 100 है, इसका 2 गुना थोड़ी ना है, नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, यही मुझे दिया था यहाँ पे। अब देखिए डबल बायोग्राफ, अब जो पढ़े थे हम बायोग्राफ पढ़े थे वो सिंगल था, अब ये वाला बोल रहे हैं कि डबल बायोग्राफ। देखिए डबल बायोग्राफ क्या है, देखिए एक तो दो कलर कर दिया यहाँ आपके, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट किया है, अब कोई भी कलर कर सकते हैं, अब कलरफुल चाहते हैं तो इसको आप वो कंप्यूटर पे बना सकते हैं। ठीक है, मैं कभी टाइम होगा तो आपको कंप्यूटर का भी सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये जो वाइट वाला है, ये वाइट वाला डिनोट करता है 2005-06 का, और ये ब्लैक वाला डिनोट करता है 2006-07 का, मतलब मुझे 2 साल का दिया है, और ये है मैथ्स का, ये साइंस, ये सोशल साइंस, ये साइंस, ये इंग्लिश और हिंदी, ये डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ये डबल बायोग्राफ विच व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहा है बोल के, अगर ये कौन से टाइप का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब ये दे रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट का और मार्क्स अपटेन में द स्टूडेंट का, मतलब 2 साल का दिया है 2005-06-07 में, डिफरेंट सब्जेक्ट में बच्चे लोग कितने कितने मार्क्स लाए हैं, इसी का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है मैंने किसी ग्राफ में। ठीक है, अब देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, देखिए कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस सबसे अच्छा इम्प्रूव किया गया। देखिए इस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं है, पूरा बराबर दोनों में है, इसमें डाउन हो गया है। ठीक है, इसमें इम्प्रूव हुआ है, इसमें इम्प्रूव हुआ है, इसमें इम्प्रूव हुआ, देखिए डाटा नंबर नहीं दे के आपको पता चल जाए कहाँ ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, आपको पता चल रहा है ना, देखिए यहाँ यहाँ पे था और यहाँ यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ ज़्यादा इंप्रूव हुआ कि नहीं है, मुझे पूछ रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो लिख सकते हैं मैथ्स में ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। करेक्ट, अब देखिए वी सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड, कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस घट गया है, आपको देख के पता चल जा रहा है इंग्लिश में घट गया बोल के, हाँ कि नहीं, देखिए इंग्लिश में घट गया, ये ऊपर था ये नीचे हो गया तो घट गया ये। वी सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस एट पार, एट पार का मतलब होता है बराबर, सेम टू सेम, वो है हिंदी में, देखिए यहाँ पे दोनों सेम सेम है। देखिए डाटा देखे कितना अच्छे से हम सारे क्वेश्चन का आंसर कर दे पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे दिया है ड्रॉ अप्रोप्रिएट ग्राफ दिया है, जो डाटा दिया है एक तो दिया है मंथ दिया है ऊपर में और नीचे नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड दिया है, इसको लेके आप बार ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ए बी सी दिया है इसमें भी आप बार ग्राफ कर सकते हैं। देखिए अप्रोप्रिएट ग्राफ बना के आपको डबल बार ग्राफ करना है, बार ग्राफ करना है, या फिर आपको पिक्टोग्राफ करना है, कोई भी चीज़ पकड़िए और इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई दिस वाला क्वेश्चन है। अगर कोई सोच रहा है कि ट्राई दीजिए नहीं करना है, मेरा लॉजिक आपको है कि आप ट्राई दीजिए, ट्राई कीजिए, इसलिए ट्राई करने लेता है, इसमें कंसेप्ट छुपा रहता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज क्यों करना पड़ रहा है। देखिए एक तो होता है रॉ डाटा, रॉ डाटा कैसे कहते हैं, जैसे कि हम डाटा जो अवेलेबल रहता है वो अनऑर्गेनाइज मैनर में रहता है, जैसे कि यहाँ से कलेक्ट किए, एक सोर्स है ए, दूसरा सोर्स है बी, तीसरा सोर्स है सी, हम सब में डाटा कलेक्ट किए और सारे डाटा को कलेक्ट कर दिए, इसमें डाटा क्या है अनऑर्गेनाइज, मतलब इधर उधर खेला पड़ा है, तो हम सबको क्या करना है, उसको पैटर्न में रखना है, मतलब उसको क्या करना है ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा मतलब उसको हम सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे,
ताकि देख के पता चले। जैसे घर में आपके बुक है, दो भाई है, बहन है, तो क्या करते हैं हम, क्लास एट का अलग, मेरा अलग, तेरा अलग करके रखते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों का मिल ना जाए। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। डाटा को ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड डाटा रहा होगा उसको जो रॉ डाटा बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज डाटा को रॉ डाटा कहते हैं। उसी को क्या करना है हमको, उसी को सिस्टमेटिकली हमको अरेंज करना है, जाना है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। क्लियर है डेफिनेशन? चलिए अब देखते हैं एक तो टैली मार्क वाला कहानी, जो पहले 7th क्लास में पढ़े हैं, वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ देखिए टैली मार्क क्या कहते हैं। देखिए, अगर एक हो तो ऐसे करना है, दो हो तो फिर और करना है आगे, तीन हो तो फिर तीन करना है, चार हो तो चार करना है, अगर पाँच हो जाए तो यहाँ से डायगोनली खींच लेना है, ठीक है। अगर बताओ सात करना है तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, और दो थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 6 7। अगर मुझे फोर करना है तो 1 2 3 4, सिंपल है। 3 करना है तो 1 2 3, सिंपल है, ठीक है, करेक्ट हो गया। 6 करना है तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, और थोड़ा छोड़ के 1 6, ये होता है टैली मार्क। आई होप आप सबको टैली मार्क वाला कहानी समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, जो टैली मार्क हम डिनोट किए ना, जो जिसको डिनोट करेंगे वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ही टैली मार्क में डिनोट किया जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आपको इंग्लिश का मीनिंग अगर पता होगा तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है बार बार, जो बार बार आया हुआ है। सपोज मैं कुछ नंबर बताऊँ कि कोइंसिडेंस बताऊँ, देखिए ऐसा होता है, अगर कहीं लूडो को खेला जा रहा है, लूडो खेला जाए तो उसमें क्या होता है, नंबर रहता है 1 2 6। अगर 1 2 6 नंबर रहता है, अगर मैं पहला टर्न किया लेट से आया 1, नेक्स्ट किया लेट से आया 5, नेक्स्ट किया 4, फिर 3, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 6। जब 6 आएगा तब लूडो चलना शुरू होता है। तो 6 आने से पहले देखिए, एक दो बार आया है, 5 ही दो बार आया है, जो बार बार आया कि नहीं, इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी और रिपीटेशन, ठीक है। वही फ्रिक्वेंसी को हम टैली मार्क में डिनोट करते हैं। आगे जाकर बताऊंगा मैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, ओके, अब देखते हैं ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा क्या होता है, देखिए मुझे क्या दिया है यहाँ पे, ये जो डाटा दिया है यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, ये डाटा दिया है, इसमें बहुत सारे नंबर है, इसको देख के ना कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, इसलिए हम क्या करेंगे उसको सजाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, जैसे 0 से 10 तक डाटा कितना है, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके डाटा कर दिया, ठीक है। अब मुझे चला 0 से 10 सिर्फ दो ही डाटा है, तो दो यहाँ लिखना है फ्रिक्वेंसी में और टैली मार्क में दो डाल देना है सिंबल में। 10 से 20 में कितना नंबर है सर, ना 10 नंबर है, 10 नंबर कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, और बगल में फिर 1 2 3 4 5, 10 हो गया, ऐसा करके पूरा डाटा लिख दिया। यहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ पता चल जाएगा, जैसे कि मैं बताऊँगा 50 to 60 में कितना नंबर से, सर एक नंबर है, 20 to 30 में कितना नंबर से, सर 21 नंबर से, ये होता है ग्रुपिंग करने का मतलब, और इसे बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुपिंग करके मैं फ्रीक्वेंसी किया, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चल देखते हैं हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 20 and 40, 20 and 40 के बीच में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली लिखे यहाँ पे 21 है और 19 है, दोनों मिला के 40 होता है, और बाकी पूरा मिला के 20 होता है, क्यों, टोटल 60 है, तो 40 हो गया कि नहीं बराबर, ये सबसे ज़्यादा है। ए स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, देखिए 40 मार्क्स से ज़्यादा सिर्फ 8 स्टूडेंट्स लाए हैं। देखिए यहाँ तो 40 तक सीमित हो गया, यहाँ से 40 से 60 है, 40 कितना लाए हैं 7, 50 to 60 1, तो टोटल हुआ 8, तो 40 प्लस स्कोर कितना लोग लाए हैं, 8 बच्चे लाए हैं। देखिए डाटा देख के, टेबल देख के हमको कितना ईजिली हमको पता चल जा रहा है, यही क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे नया चीज़ देखेंगे, जो लिखा था 0 to 10, 10 to 20, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। देखिए यहाँ लिखा है, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल, क्या लिखा है 0 to 10, या फिर लिखा है 20 to 30, ठीक है, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल, इसे कहते हैं पूरा क्लास इंटरवल, इसे कहते हैं पूरा क्लास इंटरवल। इसमें क्या है, दो चीज़ है, एक तो ये है और एक ये, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। जो नीचे वाला है लोअर लिमिट है, और जो ऊंचा वाला है, बड़ा वाला है, वो होता है अपर लिमिट होता है, ठीक है। तो ये पूरा होता है क्लास इंटरवल,
ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, रेंज क्या होता है। देखिए रेंज क्या होता है, जब देख रहे हैं डाटा जीरो से लेकर कहाँ तक है, 60 तक है, तो 0 to 60 ये पूरा होता है रेंज। रेंज मतलब मेरा एरिया, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ओके चलिए आप देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। देखिए मैं जो बताया हूँ उस बता दिया हूँ उसमें। और एक चीज़ जान लीजिए, मैं 0 से 10 लिखा, 10 से 20 लिखा, 20 से 30 लिखा। आप देख रहे हैं ये जो गैप है, 0 से 10 10 का होता है, 10 से 20 ये भी 10 का होता है, 20 से 30 ये भी 10 का होता है। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं विड्थ। कितना विड्थ है, और कभी कभी कहते हैं साइज ऑफ द क्लास। जो क्लास है ना, क्योंकि इसे तो क्लास कहते हैं, इंटरवल क्लास कहते हैं, इस क्लास का साइज और विड्थ होता है 10। जो 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 गैप है ना, इसको कहते हैं विड्थ ऑफ द क्लास और इंटर और साइज ऑफ द क्लास, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दिया लोअर लिमिट, अपर लिमिट, विड्थ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरवल ऑफ क्लास, इंटरवल, रेंज, सारे चीज़ बता दिया यहाँ पे। जब कोई डाउट है तो वीडियो को बैक करके जाइए, फिर से देखिए और नोट कर दीजिए, हो जाएगा एक दिन काम खत्म, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्राई दिस वाला क्वेश्चन, अपने से ट्राई कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बुझाऊंगा तो बता दूंगा। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास। साइज मतलब व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये होता है क्लास इंटरवल, इसमें साइज क्या है। देखिए सब में बड़ा डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में गैप कितना है, 25 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 25। विच क्लास द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, एक बार ग्राफ देख लीजिए, किसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा किसका है, ज़्यादा किसका है, देखिए यहाँ 140 सबसे ज़्यादा है, 140 ज़्यादा मतलब इसका क्या है, 200 to 225, ये होता है सबसे ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए ऐसा वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, आई होप आपको पता चल जाएगा। बार्स विथ ए डिफरेंस, बार्स विथ ए डिफरेंस का मतलब ये होता है, और देखिए यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, क्या करेंगे उसको देखिए, यहाँ पे आइए थोड़ा थोड़ा देख लीजिए क्या दिया है। हाँ देखिए, अगर डाटा दे दिया 0 से 10, मतलब यहाँ गैप हुआ 10, 10 से 20 यहाँ गैप हुआ 10। देखिए पूरा सिस्टमेटिक है, एक के बाद एक आ रहा है। कभी डाटा दे दे 0 से 20 और फिर कर दे 20 से 30, 30 से 40, तो मुझे देखिए पहले जो ये गैप था ये 10 का गैप नहीं है, बाकी पूरा 10 10 का गैप है, तो पहले जो गैप है ये 10 का नहीं है, 20 का हो गया। अगर ये 20 होता है तो सब में 20 20 होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है, पहला वाला सिर्फ अगर 0 से 20 ले लिए, बाद में सब 10 10 लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो ग्राफ को ऐसे ऐसे अगर 0 से, देखिए ये 0 से 10 हुआ ना, तो जो अगर 0 से 20 लिख देंगे बाद में 30 लिखेंगे तो गड़बड़ जाएगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस 20 होगा तो इतना डिस्टेंस कैसे 10 फिर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए क्या कर देंगे, देखिए इस ग्राफ को देखिए, ये होता है 0। अगर ये पहला वाला ग्राफ पेपर सब लोग देखे हैं ना, ऐसे ग्राफ रहता है, सब लोग देखे होंगे, तो देखिए अगर ये 0 होता है तो अगले वाला अगर 10 होगा, इतना गैप अगर 10 होता है तो नेक्स्ट गैप भी 10 का रहेगा, मतलब 20 होगा। कभी कभार क्या होता है, इसको कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा के इसको 20 कर देते हैं, और उसके बाद हम 25 30 लिखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 5 5 गैप है, मगर उसी डिस्टेंस अब 20 ले लिए, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना। तो उसको क्या करेंगे, पहले ब्रेक कर देंगे, देखिए मुझे यहाँ ब्रेक कर दिया, देखिए यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये जो ब्रेक किया है इसका मतलब ये हो गया, ये कंटिन्यूस पहले माना नहीं है, पहला यहाँ तक कंटिन्यूस नहीं है, उसके बाद पूरा कंटिन्यूस मैनर में है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रोकन लाइन और ब्रोकन पैथ में दिखाने के लिए बोलते हैं। देखिए हाउ मेनी टीचर्स आर देयर एज 45 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50, कितने टीचर्स है जो 45 से ज़्यादा है या 50 से कम है। देखिए 45 ये होता है 40 to 45, क्या बोला है 45 और मोर, 45 से ज़्यादा कितना है यहाँ पे, सिर्फ 5 है, आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे जी, यहाँ ओनली 5 है, तो आंसर हो जाएगा 5। देखिए डाटा देख के ऑर्गेनाइज डाटा को आंसर देना बहुत ईजी आप लोग कर पाएंगे। जो रीज़न आपको डाउट लग गया, देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 125 कर दिया, इतना डिस्टेंस को 125 कर दिया, उसके बाद 5 5 बढ़ाया, तो पहले तो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए उसको डिस्टर्ब करके ऐसे ब्रोकन लाइन कर देना है, याद रखना ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ तक कहानी खत्म हुआ, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 5.1 उसको सॉल्व कीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको पाई चार्ट का बताऊंगा, पाई चार्ट कैसे सॉल्व करें, पूरा पाई चार्ट का सॉल्व करूंगा और 5.2 क्वेश्चन करूँगा। तब तक के लिए आप 5.1 ट्राई कीजिए, कोई डाउट हो तो
बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।